हाय फ्रेंड्स, कंसेप्ट इंटीरियर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 1 PHK के वीडियो के बारे में। उसका इंटीरियर का हम लोग का ये रूम में काम चल रहा है और इसका ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें बाकी है। लेकिन आज हम आपको ये रूम के बारे में कुछ डिटेल्स में चीज़ें दिखाएंगे, तो चलिए ये रूम में चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आपको इस रूम के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। तो जैसे ही आप अंदर आएंगे तो मेरे पीछे आपको दिखाई देगा टीवी यूनिट। तो आपको मैं इस टीवी यूनिट के बारे में आपसे जानकारी शेयर करता हूँ। ये है टीवी यूनिट और इस टीवी यूनिट में हमने जो नीचे आपको दिखता रहेगा जो ये स्टोरेज बनाया हुआ है, तो इसमें हमने ये नीचे सेटअप बॉक्स रखने के लिए जो नीचे किया है बनाया हुआ है। तो सेटअप बॉक्स के नीचे हमने ये ड्रॉवर भी दिया हुआ है, ड्रॉवर में भी आप स्टोरेज कर सकते हैं, जैसे रिमोट वगैरह रहेगा तो आप उसके अंदर रख सकते हैं। इन दोनों भी हमने ड्रॉवर्स ही दिए हुए हैं, ये ड्रॉवर्स भी स्टोरेज के पर्पज के हिसाब से ही दिए हुए हैं। नीश है ये, इसके अंदर आर्टिफैक्ट्स वगैरह आप कुछ रख सकते हैं और उसमें हमने हर एक नीश में एक एक स्पॉटलाइट भी दी हुई है। उसके बाजू में आप देखेंगे तो ये जो पैनलिंग आपको दिख रही है, तो इसमें हमने क्या किया है, ये सिर्फ हमने टीवी के पीछे की वायर्स कवरिंग करने के लिए पैनलिंग की हुई है। उसके पीछे हमने एलईडी स्ट्रिप डाल के बैकलाइट क्रिएट किया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मटेरियल वॉलपेपर है। तो ये जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये वॉलपेपर बहुत ट्रेंडिंग है टीवी यूनिट के पीछे लगाने के लिए, तो ये हमने इसे इसका यूज किया हुआ है। तो अभी मेरे साथ में अभी आप आते हैं टीवी यूनिट के राइट साइड में एकदम बगल में हमने ये डाइनिंग टेबल बनाया हुआ है। तो ये आपको डाइनिंग टेबल किधर से भी लगता नहीं रहेगा क्योंकि ये फोल्डिंग डाइनिंग टेबल, जब भी मैं खोल रहा हूं तो आपको इसका आइडिया आ जाएगा। तो ये जो डाइनिंग टेबल हमने खोला तो ये अभी ऐसा दिख रहा है। तो इसमें हम कैसे बैठ सकते हैं, तो एक जन यहां पे, एक जन यहां पे, और अगर समझो यहां पे भी बैठना है किसी को तो यहां पे भी बैठ सकते हैं, और दो जन जो है वो यहां पर भी बैठ सकते हैं, एक जन यहां पे और एक जन यहां पे। तो ये डाइनिंग टेबल 5 लोगों की पर्पस आराम से सॉल्व कर देता है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि 4 ही जन लेंगे क्योंकि जो डिश की साइजेस है वो देखेंगे तो 4 जन के ही है। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करके बैठना है तो 5 जन भी बैठ सकते हैं। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे ऊपर स्टोरेज भी दिया हुआ है जो कि आप इसमें एक छोटा सा बार भी बना सकते हैं या फिर इसमें प्रॉपर यूनिट जैसे कि छोटे मोटे ग्लासेस या फिर जो भी चीजें रहेंगी आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये भी मतलब स्टोरेज का ही काम कर रहा है एक जगह से। ये जगह हमारी वेस्ट जा रही थी लेकिन क्लाइंट ने हमें बताया कि अगर समझो आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, तो हमने थोड़ा जरा आइडियाज वगैरह देके हमने यहाँ पे स्टोरेज का यूनिट बना लिया है। तो अभी आपने जैसे देखा कि ये हमने डाइनिंग टेबल के बारे में आपको बताया, तो आपको मैं अभी इस साइड के स्टोरेज के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये जो स्टोरेज हमने जो दिया हुआ है ये यहाँ पे भी ग्लास का शेल्फ आने वाला है, तो यहाँ पर भी हम क्रॉकरीज के आइटम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ग्लासेस वगैरह जो भी छोटी मोटी चीजें रखने वाले थे, तो लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी बड़ी चीजें भी ग्लास में वगैरह रख सकते हैं या फिर आर्टिफैक्ट्स भी रख सकते हैं। तो इसमें भी हमने स्पॉटलाइट दिया है और 2 ग्लास शेल्फ दिए है, तो हमारे ये 3 पार्टीशन रेडी हो जाएंगे। उसी के साथ में बगल में ही हमने एक पूजा यूनिट दिया हुआ है, तो इसमें अभी थोड़ा काम बाकी है। इसका जब भी पूरा काम हो जाएगा तो इस घर का पूरा नया वीडियो आने वाला है। तो अगर आपको नया वीडियो देखना है तो हमें आप सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए, तभी आपको हमारे नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे। तो जैसे ये मंदिर बनाया हुआ है, तो मंदिर में हमारी कुछ चीजें होती है जैसे कि अगरबत्ती रहती है, जो भी चीजें रहती है जो मंदिर में हम यूज करते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे पर्टिकुलर स्टोरेज दिया हुआ है। तो ये भी एक स्टोरेज हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी हमने नीचे स्टोरेज दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे भी स्टोरेज दिया हुआ है। तो अभी आपने जैसे देखा ये मंदिर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, वैसे अभी ये जो मिरर हमने लगाया हुआ है, ये मिरर हमने खास पर्पज के हिसाब से लगाया हुआ है। इस मिरर का पर्पज ये है कि ये जो रूम है ये वैसे तो उसका कार्पेट एरिया बहुत छोटा है, तो हॉल हमारा बड़ा दिखे इसके लिए हमने ये मिरर लगाया हुआ है। ये मिरर भी प्लेन मिरर नहीं है, इसके अंदर हमने वी ग्रूव्स कटिंग किया हुआ है, 1x1 के स्क्वायर पैटर्न्स हमने इसमें कटिंग किए हुए हैं। तो ये मिरर हो गया। मिरर के बाद हम देखेंगे ऊपर सीलिंग। तो सीलिंग जो है हमने एकदम बेसिक फॉल्स सीलिंग की हुई है जो कि अभी मार्केट
मार्केट में यही काउंसलिंग चल रही है और क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट भी यही थी कि उनको बेसिक ही काउंसलिंग चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो भी साइड में पट्टा दिया हुआ है पूरा 16 इंच का पट्टा दिया हुआ है उसमें हमने पूरे स्पॉटलाइट डाले हुए हैं और जो बीच का सीलिंग है उसमें हमने LED पैनल डाले हुए हैं और अंदर रोप लाइट डाली हुई है और उसी के साथ अभी हम सीलिंग देखते देखते अगर समझो अंदर आएंगे तो हमने एक कंटिन्यूटी के पैटर्न में इसको प्रोफाइल दिया हुआ है क्योंकि पैसेज में भी जब हम आ रहे हैं तो फाइल आ जाएगी तो ये हमने अल्टरनेट डिजाइन करके उसको प्रोफाइल का लाइटिंग किया हुआ है। उसी के साथ में अब देखेंगे यहाँ पे यूनिट आपको दिखता रहेगा तो ये यूनिट हमने स्टोरेज के लिए बनाया हुआ है। तो ये जो बिल्डर ने हमें स्पेस दी थी ये बिल्डर ने हमें जो स्पेस दी हुई थी यहाँ पे तो हमने इसका यूटिलाइजेशन किया। यहाँ पे एग्जिस्टिंग वॉश बेसिन था लेकिन क्लाइंट को वो वॉश बेसिन नहीं चाहिए था तो हमने यहाँ पे टेबल टॉप बना के इसके ऊपर हम दूसरा वॉश बेसिन रखने वाले हैं और यहाँ पे पीछे मिरर देने वाले जो राउंड शेप में रहेगा और उसके पीछे भी बैकलाइट रहेगी। तो ये हो गया पैसेज के बारे में। तो अभी जब मतलब ये पैसेज में हमने जैसे ऊपर स्टोरेज किया हुआ वैसे हम नीचे भी स्टोरेज लिए हुए हैं। तो अभी आपने जैसे देखा कि ये पैसेज के बारे में मैंने पूरा आपकी जानकारी दी तो अभी हम आते हैं किचन के अंदर। तो जैसे ही पैसेज के पैसेज से हम लोग राइट लेंगे तो हम पैसेज से किचन में आ जाएंगे। तो किचन में हमने यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर लॉफ्ट बनाया हुआ है और लॉफ्ट पूरा हाइड्रोलिक लॉफ्ट है। उसमें आप एक बंद शटर देखेंगे और ये दोनों ओपन शटर है आपको दिखाने के लिए मैंने खोल के रखा है तो उसके अंदर मैंने हाइड्रोलिक शटर्स दिए हुए हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये जो स्पेस हमने छोड़ा हुआ है ये स्पेस हमने चिमनी के लिए छोड़ा हुआ है। तो ये जो चिमनी यहाँ पे लगेगी वो डक्टलेस चिमनी रहेगी। कार्बन फिल्टर वाली चिमनी आती है वो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं जिसका कोई एग्जॉस्ट नहीं होता है। तो उसी के बाजू में हमने ये ग्लास यूनिट दिया हुआ है जिसमें हम ग्लास आइटम्स वगैरह जो भी है हमको क्रॉकरी के जैसे वो जो चीजें दिखा सकते हैं। उसके साइड में चिमनी थी और चिमनी के बाजू में ये हमने जो स्टोरेज दिया हुआ है इसके अंदर आप सामान भी रख सकते हैं लेकिन इसका पर्पस हमने ये रखा है कि यहाँ पे वॉश बेसिन है तो ये वॉश बेसिन के ऊपर यहाँ पे एक्वागार्ड लग जाएगा और ये एक्वागार्ड लगने के बाद यहाँ से इसमें एक राउंड शेप कटिंग होगा तो वहां से उसका इनलेट आउटलेट दोनों हो जाएंगे। तो एक्वागार्ड आपको कहाँ और जगह लगाने की जरूरत भी नहीं है और वो इसी के अंदर पूरा हाइड भी हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि ये जो स्टोरेज हमने ऊपर बनाए हुए हैं वैसे ही हमने नीचे भी स्टोरेज बनाए हुए हैं। इसमें जैसे ये जो दो स्टोरेज है इसमें हमने बड़े जो डब्बे आते हैं उसी के लिए ये स्टोरेज दिए हुए हैं और ये हमने पूरा स्टील में बनाया हुआ है। ये पुलाव है और बाकी ये सब कटलरीज वगैरह जो भी रखना है इसके लिए ये दोनों है। वॉश बेसिन के नीचे जो स्टोरेज वगैरह होता है उसके लिए हमने दिया हुआ है। फिर अभी ये साइड में आएंगे तो ये हमारा काउंटर टॉप दिया हुआ है जिसमें कि ये सर्विस पेट्रोल के काम करेगा। इसमें तो ये जो है इसके नीचे ये भी स्टोरेज ही किए हुए हैं तीनों स्टोरेज के लिए। उसके ऊपर जैसे हमने ये साइड में देखा था इसमें भी हमने पूरा स्टोरेज किया हुआ है लेकिन उसमें हमने लॉफ्ट दिया हुआ था इसमें लॉफ्ट नहीं है। ये फुल साइज शटर है ये 4 फीट के शटर्स है ये फुल साइज है तो इसमें आपको ज्यादा स्टोरेज भी मिल जाएगा और आपका स्पेस भी कम वेस्ट होता है इसमें। और ये सब सॉफ्ट क्लोजिंग है। वैसे ही यहाँ पे हमने फ्रिज रखने के लिए जगह दी हुई है लेकिन ये फ्रिज के ऊपर का स्पेस वेस्टेज जाने वाला था तो हमने यहाँ पे भी स्टोरेज कर दिया है। सब स्टोरेज जो हमने किए हुए वो सब सॉफ्ट क्लोजिंग है। तो आप ओवरऑल टोटल इसका व्यू देखेंगे तो मैं भी अगर इस रूम में खड़ा हूँ तो ये रूम भरा हुआ नहीं लगेगा क्योंकि इसके जो कलर कॉम्बिनेशन हमने यूज किए हुए जो नीचे डार्क से लेके ऊपर जाते हुए लाइट हुआ है तो नीचे हमने ग्रे दिया है और ऊपर हमने व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन रखा है तो इसके लिए आई लेवल पे ये बड़ा दिख रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये किचन के बारे में ये था। अभी हम जाते हैं बेडरूम की तरफ तो आइए बेडरूम देखते हैं। तो ये बेडरूम में आप देखेंगे तो ये जो बेड आपको दिखेगा ये विंडो की तरफ हमने लगाया हुआ है तो इसका एक कुछ खास पर्पस था इसके लिए हमने इसको विंडो की तरफ लगाया हुआ है। दिशा के अनुसार वास्तु के अनुसार ये पूरा बेडरूम बनाया हुआ है हमने तो इसका ईस्ट फेसिंग उनको चाहिए था तो हमने ईस्ट की तरफ उसका बेड का अरेंजमेंट करके दिया हुआ है
तो बेड जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है, उसके अंदर भी स्टोरेज है, ये पूरा बेड हाइड्रोलिक हमने बनाया हुआ है। तो उसी के साथ हमने साइड में साइड टेबल भी दिया हुआ है, अगर आपका मोबाइल चार्जिंग वगैरह करना है तो आप इसके ऊपर रख के कर सकते हो। उसी के नीचे साथ में हमने एक ड्रॉवर देखे, उसमें भी स्टोरेज किया हुआ है, तो उसमें आप कुछ चीजें रख सकते हैं। तो अभी लॉकडाउन की सिचुएशन चालू है, तो बहुत लोगों का घर से ही वर्क फ्रॉम होम ही काम चल रहा है, तो हमने इसके लिए हमने एक साइड में वर्क प्लेस भी करके दिया है, उसको आप स्टडी टेबल भी कह सकते हैं। तो उसमें हम लैपटॉप वगैरह भी रख के काम कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने स्टोरेज भी दिया हुआ है। वहाँ पे स्टोरेज जो दिया था हमने, उसके अंदर हम बुक्स वगैरह भी रख सकते हैं, लैपटॉप वगैरह रखने के लिए भी जगह दी हुई है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने सीलिंग बनाया हुआ है, तो सीलिंग एकदम बेसिक सीलिंग बनाया हुआ है, उसके उसमें हमने चार लाइट देखे, रूम लाइट भी नहीं हुए है। और आप देखेंगे कि सीलिंग के जो बाहर की जो जगह है वहां पे हमने ग्रे कलर यूज किया हुआ है। तो अभी आप देखेंगे कि बेड के ही एग्जैक्ट सामने हमने ये वार्डरोब बनाया हुआ है, ये वार्डरोब भी पूरा तरीके से स्लाइडिंग वार्डरोब है। तो इस वार्डरोब में हमने यहाँ पे तीन रैक दिए हुए हैं, तो इसमें हम फोल्डिंग किए हुए कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े इसमें हम रख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा हैंगर का रॉड लगने वाला है, उसी के साथ में ये जो दो है ये ड्रॉवर किए हुए है, और ये ड्रॉवर लॉक था इसके लिए खुला नहीं, तो ये ड्रॉवर है और इसमें लॉक और सिक्योरिटी का भी अच्छा खासा इंतजाम है, तो आप डायरेक्टली ऐसे खोल नहीं पाएंगे, अच्छे से लॉक भी यूज किए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि पैसेज में जो मिरर लगने वाला है, वो मिरर हमने यहाँ पे अंदर लाके रख दिया है, तो ये तो मिरर उधर पैसेज का ही है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने दो ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, ये दो ड्रॉवर है, ये भी लॉक है, ये भी नहीं खुला मेरे से, तो ये भी ये दोनों ड्रॉवर यहाँ पे है, उसके साथ में ये सेफ है, ये भी मतलब अच्छा खासा इसमें लॉकों का सिस्टम दिया हुआ है, तो आप इसमें भी कुछ सामान आपका सेफ में रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको वार्डरोब के बारे में बताया, तो वार्डरोब के ही बगल में ये लेफ्ट साइड में ये है वॉशरूम, तो ये बिल्डर ने अच्छे तरीके से बना के ही दिया था पहले से, तो इसके लिए हमने इसमें कुछ अल्ट्रेशन किए नहीं है, तो इसमें हम दिखाने के लिए भी कुछ है ही नहीं, तो अभी हम वॉशरूम के बारे में नहीं दिखा रहे हैं। तो ये था हमारा 1 BHK का इंटीरियर वीडियो। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ऐसे ही अलग अलग नए नए वीडियो आपके सामने हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने ये रूम दिखाया है, इसका फुल एंड फाइनल वीडियो अभी आना बाकी है, तो ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा जबकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, आपको ऊपर दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय।